वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि सॉवरेन वेल्थ फंड SWF क्या होते हैं, क्या भारत का भी कोई SWF है, और दुनिया के टॉप 50 सॉवरेन वेल्थ फंड कौन से हैं, और क्या रूस यानी रशिया का भी कोई SWF है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सॉवरेन वेल्थ फंड SWF होता क्या है। इसको अलग अलग लोग, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अपने तरीके से डिफाइन करती हैं, जैसे कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एक अपनी डेफिनेशन है। इसी तरीके से US ट्रेजरी इसे अपने द्वारा परिभाषित करती है अपने तरीके से। पर काम चलाने के लिए हम कह सकते हैं कि SWF एक बहुत बड़ा विदेशी मुद्रा का फंड होता है, जो कि किसी देश द्वारा कंट्रोल किया जाता है और जिसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जो कि उस देश की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व या पेंशन एसेट नहीं होता है। उदाहरण के लिए भारत में RBI के पास विदेशी मुद्रा का भंडार है, यह इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसलिए RBI का फॉरेक्स रिजर्व एक सॉवरेन वेल्थ फंड नहीं है। SWF में और फीचर्स होते हैं, जैसे कि यह एक मैकेनिज्म है जिसके द्वारा कंट्रीज इन्वेस्टमेंट्स करती हैं। दूसरा फीचर यह है कि यह एक बहुत बड़ा पॉट ऑफ मनी होता है। तीसरा, हम कह सकते हैं कि ये जो सॉवरेन वेल्थ फंड है वो प्रेफर करते हैं कि रिटर्न्स आए ज़्यादा रादर देन लिक्विडिटी को, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो ज़्यादा रिस्क टॉलरेंट है कंपेयर टू जो ट्रेडिशनल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होते हैं। अगला, हम ये कह सकते हैं कि ये जनरली एक्सक्लूड करते हैं जो कि एसेट्स होते हैं इंडिविजुअल्स के बेनिफिट के लिए। सॉवरेन वेल्थ फंड यानी कि SWF की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। जो सबसे बड़ी उनमें से लिमिटेशन है वो यह है कि ये ट्रांसपेरेंट अधिकतर नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल, सॉवरेन वेल्थ फंड जो होता है वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स की डिटेल रेगुलरली डिस्क्लोज कर सकता है, पर सारे के सारे SWF उन्हें रेगुलरली डिस्क्लोज नहीं करते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो लिमिटेशन है SWF की वो यही है कि उनकी ट्रांसपेरेंसी पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा होता है। SWF को दो और चीज़ों से कई बार कंफ्यूज किया जाता है। पहली जो चीज़ है वो है सॉवरेन बॉन्ड्स। सॉवरेन बॉन्ड्स टोटली डिफरेंट होते हैं। ये वो बॉन्ड्स हैं जिसे किसी देश की सरकार इशू करती है, और इसमें पैसा लगाने वाले इन्वेस्टर को एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता रहता है, जो कि जनरली उस बॉन्ड का कूपन रेट कहलाता है। इसी तरीके से जो दूसरी चीज़ जो है वो है सॉवरेन वेल्थ एंटरप्राइजेज यानी कि SWE। SWE टोटली डिफरेंट है सॉवरेन वेल्थ फंड से। SWE वो बिजनेस एंटिटी या वो इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो कि फुली कंट्रोल किए जाते हैं SWF द्वारा। तो आइए अब देखते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े टॉप 10 सॉवरेन वेल्थ फंड्स कौन से हैं। तो सबसे पहले आता है नॉर्वे का नॉर्वे गवर्नमेंट पेंशन फंड, जिसके टोटल एसेट्स हैं $1,186 बिलियन यानी कि $1.186 ट्रिलियन। उसके बाद आता है चाइना इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, जिसके एसेट्स हैं $940 बिलियन। उसके बाद आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, फिर कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, हांगकांग मॉनेटरी अथॉरिटी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, फिर आता है GIC प्राइवेट लिमिटेड, फिर सेफ इन्वेस्टमेंट कंपनी, टिमासिक होल्डिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड, फिर आता है नेशनल काउंसिल फॉर सोशल सिक्योरिटी फंड। अगर आप देखें, ये हैं दुनिया के टॉप 10 SWFs, और अगर आप इनकी ओरिजिन कंट्रीज़ को देखें तो पहला है नॉर्वे, फिर दूसरा फंड जो है वो चाइना का है, फिर UAE आबू धाबी का है, फिर कुवैत का है। तो टॉप पर तो हमारे को देखने पे लगता है कि $1,186 बिलियन के साथ नॉर्वे का फंड सबसे ऊंचा है, पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो टॉप 10 के अंदर चाइना के 3 सॉवरेन वेल्थ फंड हैं। पहला CIC, जिसके $940.96 बिलियन के एसेट हैं, फिर आता है सेफ, और फिर है NCSSF। तो इनको अगर हम इन तीनों के एसेट्स जोड़ दें तो वो बनते हैं $1.6 ट्रिलियन के, यानी कि एक तरीके से तो वो नॉर्वे के SWF से भी बड़ा हो जाता है। अब हम देखेंगे कि टॉप 50 में आने वाले बाकी के SWF कौन से हैं। इसके अंदर इजिप्ट के भी फंड है, चिली का भी फंड है, मेक्सिको का भी फंड है, नंबर 14 पर टर्की का भी एक वेल्थ फंड है। तो अब प्रश्न आता है कि क्या भारत का भी कोई SWF है। उसका उत्तर है NIIF, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इसको 2015 में भारत सरकार ने $3 बिलियन के सीड मनी के साथ बनाया था। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसके सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं, जिनके पास 99.97% शेयर्स हैं, और जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का कोई ऑफिशियल होता है। और इसके बाकी के जो 6 शेयर होल्डर्स हैं वो भी
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ही ऑफिसर्स होते हैं। एक और चीज इसमें नोट करने की है, वो है एंकर इन्वेस्टर्स। जो भारत सरकार ने तो $3 बिलियन के साथ ये फंड शुरू किया था और इसमें बाकी के एंकर यानी कि बाकी के इन्वेस्टर्स को भी साथ में जोड़ा गया, जिनको एंकर इन्वेस्टर्स कहा जाता है, जैसे कि आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, ऑस्ट्रेलियन सुपर, कनाडा की ऑन्टेरियो टीचर्स पेंशन प्लान और कनाडा का ही CPPIB और इसी तरीके से सिंगापुर की टीमासेक कंपनी को। SWF अपने ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी देश में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि सिंगापुर का टीमासेक फंड। इसने सिंगापुर के बाहर चाइना और भारत में काफी निवेश किया हुआ है, पर जो भारत का NIIF है वह केवल भारत में ही इन्वेस्ट करता है। यह एग्जैक्टली सेम है जैसे कि रशिया का RDIF फंड। RDIF फंड भी सिर्फ रशिया में ही इन्वेस्ट करने के लिए बनाया गया है। अब हम देखेंगे कि एक एसोसिएशन है IFSWF, इंटरनेशनल फोरम ऑफ सॉवरेन वेल्थ फंड। इसके अनुसार जो भारत का NIIF है वो एक एसोसिएट मेंबर है, यानी कि अभी तक एक फुल मेंबर उसका नहीं बना है। जो फुल मेंबर होते हैं IFSWF के, वो IFSW के 24 जो जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स हैं उनको फुली यानी कि अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं, और इन्हीं 24 जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स को सैंटियागो प्रिंसिपल्स भी कहा जाता है। अंत में हम देखते हैं कि रशिया के SWF कौन से हैं। रशिया के पास दो SWF हैं। पहला है RDIF जो सिर्फ रशिया में ही इन्वेस्ट करता है, और जो दूसरा रशिया का सॉवरेन वेल्थ फंड है वो है रशियन नेशनल वेल्थ फंड यानी कि NWF।